Hello, good morning, children. Good morning and welcome again to the history class. Dear children, today we are going to start the second lesson that is the establishment of company rule in India. Establishment of company rule in India. As we all read in the previous chapter, that when did the modern period begin the modern period began after the death of Aurangzeb हमने इसके पहले के लेसन में पढ़ा कि औरंग कि भारत में मॉडर्न पीरियड कब से चालू हुआ औरंगजेब की मृत्यु के बाद और उसी समय यूरोप के कई देश धीरे धीरे एशिया और अफ्रीका में धीरे धीरे अपने कदम रख रहे थे सो इन दिस लेसन वी आर वी आर गोइंग टू रीड और वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ द कंपनी हाउ द कंपनी हियर मीन्स द ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि भारत में ब्रिटिश जब आए तो सबसे पहले वो रूलर नहीं बने थे वो किस रूप से भारत में आए थे कंपनी के रूप में आए थे किस रूप से एक कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी और यू कैन से इट वाज अ ट्रेडिंग कंपनी जो भारत में सिर्फ किस उद्देश्य से आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से सो द लेसन नेम इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया टिल नाउ अभी तक हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से धीरे धीरे अठारहवीं शताब्दी में जब भारत की राजनीतिक दशा ठीक नहीं थी क्योंकि कोई भी देश में ऐसा अच्छा रूलर नहीं था जो कि पूरे भारत को फिर से एक करके रख सके और इतने विशाल एम्पायर को संभाल के रख सके और इसी समय यूरोप के कई देश धीरे धीरे भारत में अपने कदम रख रहे थे व्यापार करने के उद्देश्य से Now we will read the first paragraph in the first line. It has been written Vasco de Gama. You see Vasco da Gama landed at Calicut in 1498. So in the first line itself, Pehle line mein aap dekho, you will get one mark question. Vasco di Gama landed at Calicut in 1498 and marked the beginning of the European era in indian history in indian history so who came or the question is who was the first european who was the first european or the european country uh, who came to india who came to india so what will be the answer the answer is vasco da gama see in the first line in the first line it has been written vasco da gama and when in 1498 when in 1498 and what does it remarks three questions are there three questions are there vasco da gama then place cali uh, calicut

पोर्टुगल पोर्टुगल पुर्तगाल हिंदी में हम क्या बोलते हैं पुर्तगाल एंड इन इंग्लिश पोर्टुगल तो पोर्टुगीज लोग हो गए द पीपल ऑफ द पीपल ऑफ इज पोर्टुगीज तो आप कह सकते हो क्वेश्चन भारत में पहला व्यक्ति या भारत में पहला यूरोपियन देश जिसने की कदम रखा तो वो कौन सा देश था दैट वॉज The Portuguese people or Portugal? Portugal. I repeat, Portuguese or Portugal. And who was the first uh, uh, <coughs> person? Vasco de Gama. Tha? Vasco de Gama. He was a Portuguese sailor. He was a Portuguese sailor. Vasco de Gama was Ek Portuguese sailor tha. Now, sailor means what? वनू सेल्स अक्रॉस द सी वन ओ सेल्स अक्रॉस द सी तो यहाँ से धीरे धीरे सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए द पोर्टीज और उन्होंने सबसे पहले आते ही कोस्टल एरियाज पे जितने भी जो यूरोप के देश थे सबसे पहले आते ही उन्होंने कहाँ पर अपना कब्जा करना चालू किया था धीरे धीरे कोस्टल एरियाज पे और किस उद्देश्य से आए थे ट्रेड करने किस उद्देश्य से ट्रेड करने ट्रेड मीन्स वॉट व्यापार करने सो आई रिपीट द पोर्तज हैड एस्टैब्लिश देयर कॉलोनी इन गोवा तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने या पोर्तज़ लोगों ने कहाँ पर अपना वो किया uh, अपने कंपनीज uh, खोले या uh, सबसे पहले उन्होंने अपना कॉलोनी कहाँ ढूंढा गोवा में एंड इन द नेक्स्ट सेंचुरी धीरे धीरे यहाँ से आ, सबसे पहला कंट्री पोर्टुगल बना पुर्तगाल बना और उसको फॉलो करते हुए यूरोप के दूसरे देशों ने भी धीरे धीरे भारत में आना चालू किया यू सी इंडिया बिकेम इंडिया बिकेम ए पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ़ यूरोपियन ट्रेडर्स

एम्पायर को इतने विशाल कंट्री को संभाल के रख सके और ऐसे में इसी समय धीरे धीरे यूरोप के कई देश भारत में कदम रख रहे थे व्यापार करने के उद्देश्य से और सबसे पहला कंट्री द फर्स्ट कंट्री वॉज पुर्तगाल और पोर्टुगल एंड द पीपल पोर्टुगीज़ द फर्स्ट पर्सन वॉस्को कोडिगामा एंड वेन इन फोर्टीन नाइन्टी एट इन 1498 नाइनटी एट कैलीकट कैलीकट इज़ इन केरला कैलिकट कहाँ है केरला में एंड आफ्टर दैट उसको फॉलो करते हुए कई लोग कई देश धीरे धीरे पुर्तगालियों को फॉलो करते हुए पोर्चुगीज़ लोगों को फॉलो करते हुए यूरोप के कई देश यूरोप के कई व्यापारी धीरे धीरे भारत में कदम रखने लगे उसी ट्रेडर्स व्यापारी एडवेंचरर्स जो कुछ नया करने की सोचते हैं नया लैंड ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड मिशनरीज मिशनरीज नाउ सी द वर्ड मिशनरीज मिशनरीज में एक वर्ड छुपा हुआ मिशन मिशन फ्रॉम इंग्लैंड सी द प्लेस इंग्लैंड देन स्पेन देन फ्रांस एंड हॉलैंड एटसेट्रा तो यहाँ हम देखेंगे कि कई देश धीरे धीरे भारत में कदम रख रहे थे किस उद्देश्य से व्यापार करने के उद्देश्य से नाउ इंग्लैंड वॉज नॉट द फर्स्ट कंट्री बेटा आप लोग देखोगे भारत में पह, कदम रखने वाला पहला देश पुर्तगाल था इंग्लैंड नहीं था इंग्लैंड तो बाद में आया लेकिन बाद में आने के बाद उसने अपने सारे कंपटीटर्स को कंपटीटर्स मतलब जो उसके दूसरे जो देश थे जो उसके कंपटीशन में थे एग्जांपल uh, फ्रांस हो जाएगा आपका पोर्चीज uh, हो जाएंगे आपके ठीक है देन हॉलैंड एट्सेट्रा एंड मेनी अदर कंट्रीज उन सबको ब्रिटिश uh, uh, लोगों ने धीरे uh, धीरे क्या कर दिया uh, इंडिया से बाहर भगा दिया और खुद ही वो आ, कुछ समय बाद भारत के क्या बन गए रूलर बन गए ओके नाउ सी इन द फर्स्ट पैराग्राफ आई हैव ऑलरेडी गिवन यू क्वेश्चन दैट हु पोर्टुगीज सेलर व्हेन एंड वेयर ही केम देन द आंसर विल बी कैलिकट इन 1498 एंड फ्राम ईयर इट मॉक द बिगनिंग ऑफ द यूरोपियन एरा एरा मीन्स युग एक नए युग की शुरुआत हुई कहाँ पर uh, भारत में ओके सो फ्रॉम ईयर वी विल स्टडी फर्दर दट हाउ स्लोली स्लोली द ट्रेडिंग कंपनी द ट्रेडिंग कंपनी स्पेशली द ईस्ट इंडिया कंपनी हम धीरे धीरे देखेंगे कि एक छोटी सी कंपनी जो भारत में सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी सिर्फ व्यापार और जल्दी इन्होंने पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया और वो कैसे हुआ हम आगे के आ, वीडियोस में या आगे डिस्कशन करेंगे चिल्डन यू रीड द लेसन गो थ्रू द लेसन ओके एंड हैव है नाइस डे